is me, Apurva Thakur, and you're watching me on my YouTube channel where we daily learn some very interesting and amazing English words and phrases. So guys, मैंने ये part second है आज वाला जो हमने SSC CGL के tier 2 के वो part 1 बनाया था जिसमें हमने approx 10 to 11 words याद किए थे जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत share किया, बहुत सारे comments किए, likes किया, तो I just feel very good for that. सो मैंने ये पार्ट सेकंड बनाया है क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पार्ट सेकंड कब आएगा. सो हेयर इज़ द पार्ट टू ऑफ द वीडियो जिसमें जो हम रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो लर्न करेंगे. सो विदाउट गेटिंग टाइम वेस्ट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उसके बाद हम आगे की बात जो है बाद में कर लेंगे लास्ट पार्ट में वीडियो के. सो ओके, तो पहला वर्ड जो आज का हमारा सेशन होने वाला है वो आज का पहला वर्ड क्या है. तो पहला वर्ड है एट द डबल. एट द डबल मतलब एट अ वेरी फास्ट पेस, बहुत हाई स्पीड से कोई चीज़ होती है तो उसे हम बोलते हैं एट द डबल. ये हमारे टायर टू में वर्ड पूछा गया था. तो एट द डबल अब आपको याद रहेगा एट अ वेरी फास्ट पेस. जैसे हम एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं द थीफ डिसअपीयर्ड एट द डबल, मतलब बहुत तेज़ी से वो थीव जो है गायब हो गया भागते हुए, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं. या फिर ही रन्स एट द डबल रनिंग के लिए, या मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत फास्ट स्पीड से हो रही है, बहुत फास्ट पेस से हो रही है तो उसमें हम यूज़ करते हैं एट द डबल. एट द डबल वेरी हाई स्पीड, वेरी फास्ट स्पीड. सो आई होप ये वर्ड आपको लर्न रहेगा एट द डबल मतलब वेरी हाई स्पीड. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ब्लीजर्ड. ब्लीजर्ड ये बोलने में भी कितना प्यारा लग रहा है, ब्लीजर्ड. ब्लीजर्ड तो ब्लीजर्ड होता है बर्फ़ानी तूफान जो मोस्टली हिली स्टेशंस पे आते हैं. ऑब्वियसली वो हिली स्टेशंस पे ही आएगा. तो ब्लीजर्ड हम याद रखेंगे बर्फ़ानी तूफान के लिए यूज़ करते हैं हम. और ये भी टायर टू का ही वर्ड है जो पूछा गया था. तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हमें वर्ड्स याद होने चाहिए, फिर चाहे वो सिनोनिम्स में आए, एंटोनिम्स में आए, वन वर्ड में आए, ईडियम्स फ्रेजेस किसी में भी आए, अगर हमें वोकैब अच्छी होगी तो हम इजीली उसे क्रैक कर सकते हैं एग्जाम को. तो ब्लीजर्ड हो गया बर्फ़ानी तूफान. जैसे आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं आई वंस गॉट स्टक इन अ ब्लीजर्ड इन शिमला फॉर 6 आवर्स, मतलब कि मैं 6 घंटे के लिए एक बार एक बर्फ़ानी तूफान में शिमला में फंस गई थी. तो ब्लीजर्ड हो गया बर्फ़ानी तूफान. ब्लीजर्ड बर्फ़ानी तूफान. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एवलैंकी. एवलैंकी ये स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी एवलैंकी की. तो एवलैंकी होता है द स्नो दैट स्लाइड्स डाउन द माउंटेन, मतलब कई बार जो हिली स्टेशन हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनमें बर्फीले तूफान जो ब्लीजर्ड जो हमने याद किया उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपर की जो स्नो है वो नीचे आने लगती है खिसकते हुए, तो उसको हम एवलैंकी बोलते हैं. तो ये भी वर्ड पूछा गया था वर्ड सब्स्टिट्यूशन में. तो नेक्स्ट टाइम अगर आपसे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो CPO हो, CAT हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपसे ये वर्ड पूछा जाता है तो आप इसे याद कर सकते हैं एवलैंकी जो बर्फ़ ऊपर से खिसकते हुए नीचे आ रही है. और ब्लीजर्ड हो गया बर्फ़ानी तूफान. तो हमने आज के 3 वर्ड्स याद कर लिए हैं. नाउ मूविंग टू द फोर्थ वन. फोर्थ है रिलेक्टेंट. ओ रिलेक्टेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है. रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग, अनिच्छुक. ये बहुत बार होता है हम कुछ कामों के लिए अनिच्छुक होते हैं करने के लिए, जैसे वी डोंट वांट टू डू समथिंग. तो जब हम अनविलिंग है किसी काम को करने के लिए तो दिस इज रिलेक्टेंट, दिस इज अवर रिलेक्टेंसी. जैसे आप कोई गेम नहीं खेलना चाहते तो आई एम रिलेक्टेंट टू प्ले बैडमिंटन एट दिस टाइम, या फिर शी वॉज रिलेक्टेंट टू गो होम विद हिम. वो उसके साथ जाने में अनिच्छुक थी, वो कोई गेम खेलने में अनिच्छुक है. तो कोई भी जिसमें हमारी मर्जी नहीं है, हमारा मन नहीं है, तो दैट इज़ रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग. अनविलिंग टू डू समथिंग, अनविलिंग टू डू एनी एक्ट, तो वो हो गया रिलेक्टेंट. तो दिस वॉज अवर फोर्थ वर्ड. आई होप ये वर्ड भी आपको याद होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज टू कॉल द शॉट्स. टू कॉल द शॉट्स मतलब टू बी द पर्सन इन चार्ज. जो पर्सन जिसकी ड्यूटी है, जो चार्ज में है पर्सन. जैसे इफ यू आर द बॉस समवेयर तो यू कैन आई कैन से टू यू लाइक यू आर द बॉस हेयर सो यू हैव टू कॉल द शॉट्स, यू हैव टू गेट द शॉट्स. ठीक है, टू कॉल द शॉट्स मतलब टू बी द पर्सन इन चार्ज. तो ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछा जा सकता है. और एग्जाम्स हमारे यार कितने सारे होते हैं तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. मैंने जो ऑप्शंस में भी जो डिफिकल्ट वर्ड्स मुझे लगे वो मैंने वहाँ से पिक कर लिए आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि ऑप्शन वाले वर्ड्स भी तो नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं. तो हमारी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, और वोकैब स्ट्रांग होगी तो हमारी जो फ्लुएंसी है वो भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी. अब ये वर्ड्स आप नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है, रोज कलर्ड ग्लासेस. ये एक जो है फ्रेज होती है, रोज कलर्ड ग्लासेस, जैसे idioms हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं. दिस इज़ अ पॉजिटिव आउटलुक ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स लाइफ. जैसे हम अपनी लाइफ को किस नज़रिए से देखते हैं,
ये उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव ढंग से देखते हैं, बहुत पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई लुक माई लाइफ थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस। आई लुक माई लाइफ थ्रू रोज कलर्ड ग्लासेस, दैट मीन्स जो मेरा नज़रिया है लाइफ को देखने का वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक के साथ हम देखते हैं कि कई बार चीज़ें अगर अच्छी नहीं भी हो रही है तो धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो आई होप ये वाला वर्ड भी आपको क्लियर हो गया होगा, रोज कलर्ड ग्लासेस, ये idiom में पूछा गया था तो हमें ये भी याद हो गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है अ फेयर वेदर फ्रेंड। नाउ व्हाट डज दैट मीन, फेयर वेदर फ्रेंड? तो गाइज, फ्रेंड होते हैं दो टाइप्स के, एक होते हैं लॉयल फ्रेंड्स जो आप सबको पता ही है, और एक है फेयर वेदर फ्रेंड जो हमसे एग्जाम में पूछा गया था। तो फेयर वेदर फ्रेंड है जो आपके साथ तब तक है जब आपके साथ लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा है। व्हेन ऑल द कंडीशंस आर सूटेबल टू यू देन देयर इज योर फ्रेंड, दैट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। जब सब कुछ अच्छा है तब वो फ्रेंड है, बट व्हेन यू आर इन अ प्रॉब्लम, व्हेन यू नीड समवन बट दैट पर्सन इज नॉट विद यू, तो ही और शी इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। जिसे हम एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, किटी इज लुकिंग फॉर अ लॉयल फ्रेंड नॉट अ फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड्स आर नॉट गुड एट ऑल, पर ये होते हैं सबकी लाइफ में कभी कभार, तो हम उन फ्रेंड्स को, उन लोगों को बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने लर्न कर लिया और ये हमारी डेली लाइफ में भी काम आएगा। अगर हमें कोई भी ऐसा इंसान मिलता है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है डिवाउट। नाउ डिवाउट क्या होता है? डिवाउट मतलब वेरी रिलीजियस, जो बहुत ही धार्मिक सॉर्ट ऑफ पर्सन हो। जैसे मेरी बड़ी मम्मी, वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन है, तो आई कुड से इट लाइक माई बड़ी मम्मा इज़ अ डिवाउट लेडी, या फिर राजू बिलोंग्स टू अ डिवाउट ब्राह्मण फैमिली। तो ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं कोई भी फैमिली जो बहुत ही धार्मिक विचारों की है, जो बहुत ही रिलीजियस हैं, जो अपने रिलीजन में बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं, तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं डिवाउट। तो नेक्स्ट टाइम आप किसी के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं, प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये लर्न हो गया, डिवाउट religious, devout religious. Okay, now moving to the next word. Next word है eat one words, eat one's word. That means to retract what one has said, to retract what one has said. Now retract मतलब अपने शब्दों को वापस लेना, जो आपने कहा है उन शब्दों को आप वापस ले रहे हैं। जैसे भाई आप कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मैंने आपको कह दिया कि भाई आप नहीं जीत सकते इस रेस में, but you win the race. तो आप मुझे बोलो कि now Apurva you have to retract your words, you have to eat your words. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि as you have said I would not win the race, but as if now I have won the race, now you have to retract your words. That means you have to eat your words. जो तुमने कहा है वो तुम्हें वापस लेना होगा, अपने शब्दों को वापस लेना, retract. तो retract मतलब वापस लेना, तो हम ये बोल सकते हैं you have to eat your words. Eat your words मतलब अपने शब्दों को वापस लेना। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन मतलब आपत्ति, आपत्ति जताना किसी चीज़ के लिए, टू ऑब्जेक्ट। जैसे ही डजंट फॉलो टू हिज बॉस एंड टेक एक्सेप्शन टू हिज बॉस एंड रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब, मतलब उसने अपने बॉस की बातों पे आपत्ति जताई और उसने रिजाइन कर दिया। तो टेक एक्सेप्शन मतलब आपत्ति जताना, टू ऑब्जेक्ट टू समवन। सो आई होप ये आज हमने 10 वर्ड्स याद किए, तो ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि एक बहुत ही ईजिली वे में हमने ये लर्न किया विद द पिक्चर्स एंड द एग्जाम्पल्स कि क्या वर्ड हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि CGL, CHSL, बैंक, PO, रेलवेज हो गया, कैट हो गया, सभी एग्जाम्स में इंग्लिश तो आती है, तो इन सब में तो आपको ये हेल्प करने ही वाले हैं। और अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी बिल्कुल हेल्प करेंगी ये वीडियोस। आपकी वोकैब अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी होगी। फ्लुएंसी हमारी तभी अच्छी होती है गाइज, जब हमारे पास वर्ड्स होते हैं। अदरवाइज अगर आप इंग्लिश बोलना भी चाहेंगे पर अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स नहीं हैं तो आप नहीं बोल पाएंगे। वही हमारे घिसे पिटे ट्राइड पुराने वर्ड्स होते हैं जो हमने स्कूल टाइम में पुरानी क्लासेस में याद किए हैं, वो हमारे मुँह से निकलते हैं बार बार, और फिर जब हम उन्हें वो यूज़ करते हैं तो कोई हमारा लेवल नहीं समझता। तो अगर अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो एक अच्छी वोकैब बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। तो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो सारी देख सकते हैं, और टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 मिनट वीडियोज़ तो देख ही सकते हो। एक मेरी 1 मिनट वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए और 1 मिनट की आई गेस 10 to 11 वीडियोज़ हैं, वो सारी आप एक एक करके देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। 1 मिनट इज़ अ बहुत कम समय है, हम वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, तो अगर हम कुछ 1 मिनट में अच्छा सीख जाते हैं तो
इसमें कोई बुराई नहीं है, तो 1 मिनट वीडियोस देख सकते हो, नहीं तो पूरी पूरी वीडियोस भी देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली भी बड़ी हो गई है। सो गाइज जस्ट इन्जॉय एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, वील मीट सून विद द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो वेरी सून। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई और एग्जाम पॉइंट के लिए, किसी और एग्जाम के लिए कोई अच्छी वीडियो बनाऊं, जैसे ये सीजीएल टायर 2 की हमने सीरीज पूरी कर ली पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो कोई एग्ज़ाम आपको लगता है जो आपने अभी दिया हो, या आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझसे चाहते हैं कि मैं उसकी वीडियो बनाऊं और आपको उसके वर्ड्स लर्न कराऊं एक इजी वे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ओके, वील मीट सून विद द नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।